Hello students and welcome back to bankexamstudy.com. Today I am going to share a proper blueprint for IBPS RRB scale 2 and scale 3 exam. Exactly padhna kya hai? Kuch ek topics aise hain jisme aap effort kam dalte ho aur usme se zyada questions aate hain aur kuch ek topics aise hain jahan aap bahut zyada effort dalte ho lekin bahut kam questions aate hain ya fir aate hi nahi hain. और आज मैं यही शेयर करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए. ठीक है, स्टार्ट पहले करेंगे रीजनिंग पर. ज़्यादा टाइम मैं ख़राब नहीं करूँगा आपका. एंड दिस इज़ नॉट अ पीपीटी स्टाइल ऑफ वीडियो, सिंपल कॉन्वर्जेशन करनी थी वो मैच कर रहा हूँ. देखिए, रीजनिंग पर अगर आप स्टार्ट करें, सबसे जो ईजी टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस. ये तीन जो हैं सबसे इजी टॉपिक्स हैं, सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं. पांच क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक्स में से हर बार आते हैं. पिछले 3-4 सालों से तो मैं देख रहा हूँ पांच क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आने ही आने हैं. चाहे आप जो है कह लीजिए कि आप रिसेंटली आपने तैयारी करनी शुरू करी है, फिर भी आप पहली बार भी अगर इन टॉपिक्स को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, पहले इस चीज़ का आप ध्यान रखें. उसके बाद जो है आप आगे जब बढ़ते हैं, रिपीट होने वाला टॉपिक है सिलॉजिज्म. वेन डायग्राम वाला मेथड है अपना सिलॉजिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने का. एक मिनट के अंदर अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है बड़े ईजी वे में, कोई टाइम ख़राब नहीं है, वो आप करिए. उसके बाद इसमें से भी 0 to 5 पांच क्वेश्चन आते ही आते हैं सिलॉजिज्म में. पिछली बार भी आए थे, उससे पिछली बार भी आए थे. इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ की किंग और स्पेड वाली टेक्निक है जो मैंने अपने कोर्स में भी शेयर करी है. bankexamstudy.com पे हम पढ़ाते हैं, उसमें किंग एंड स्पेड वाली टेक्निक है, उसको फॉलो कीजिए. आपके 10 सेकेंड में आपका जो है इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा. कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी है. तो इनइक्वालिटी 0 to 5 आपके क्वेश्चंस हो गए हैं. उसके बाद आप आगे आते हैं मशीन इनपुट आउटपुट. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पिछले डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया. प्रैक्टिस करेंगे 1-1.5 मिनट में इजीली हो जाएगा मशीन इनपुट आउटपुट. ठीक है, डेटा सफिशिएंसी आता है. आपको ये बताना है कि जो डेटा सफिशिएंट है या नहीं है, क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो डेटा अवेलेबल है क्या वो डेटा सफिशिएंट है या नहीं है, ये आपको बताना है. ठीक है, लास्ट में हम आगे बढ़ते हैं पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट की तरफ. कॉम्प्लिकेटेड है कई बार. ठीक है, स्पेशली पजल्स अगर आपने अच्छे से नहीं करी हुई तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है. प्रैक्टिस यहाँ पर चाहिए और वेटेज बहुत ज़्यादा है. 15 मार्क्स कम से कम आप लगा लीजिए, 15 से 20 मार्क्स पिछली बार 20 मार्क का आया था. 15 से 20 मार्क आपके सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स में से आएंगे. ठीक है, 2 सेटिंग अरेंजमेंट 2 पजल्स या 1 पजल 2 सेटिंग अरेंजमेंट 2 पजल, ऐसे करके 15 से 20 मार्क आपके यहाँ पे आएंगे. एंड स्टार्ट आप हमेशा ईजी क्वेश्चन से कीजिए, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एजेस. अगर स्टार्टिंग में किसी पजल में आप फंस गए हैं तो अपनी ईगो पे मत लीजिए. ये क्लास 10th नहीं है, ये क्लास 11th नहीं है कि कोई आपको जज करने वाला है या आपको टीचर आपसे पूछने वाला है कि आपने ये क्यों नहीं किया. अगर आप पजल करने बैठे हैं और अगर आपको समझ नहीं आ रही है 1-2 मिनट में, उसको छोड़ दें, आगे बढ़ें, अगली पजल करें. अगली पजल भी नहीं हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने 100% मार्क्स नहीं लेने, आगे चलें. ईगो पे मत लें, आप सेटिंग अरेंजमेंट करें. यहाँ पे क्वेश्चन स्किप करना कोई बड़ी बात नहीं है. बहुत सारे लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, मोरल ख़राब हो जाता है कि मैंने पहले 10 क्वेश्चन ही मुझे नहीं आते हैं, मेरा पेपर ख़राब हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. कई बार क्या लास्ट ईयर ऐसे हुआ था, स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डिफ़िकल्ट पज़ल दिख गई, कई लोग फंस गए वहीं पर, टाइम ख़राब हुआ, कई लोगों का मोरल ख़राब हो गया. तो ये ना करें, नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़े. क्वांट में अगर हम आते हैं, उसमें देखिए क्वांट में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक वाले, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप्स, कंपाउंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स है, मिक्सचर्स एलिगेशन, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. इन्हीं में से आप लगा लीजिए 5 से 15 मार्क, 5 से 10 मार्क लगाइए, इनमें से आ जाता है.
बाकी अब लगा लीजिए लीनियर इक्वेशन आ गया आपका 2-4 मार्क्स का। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क का डायरेक्टली आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से 3 से 4 सेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी यहाँ पे भी आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन रिलेटिवली ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, आप ईजिली जो है 20 में से 15 मार्क भी ले सकते हो, कुछ ईजी कुछ टफ नहीं है। ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चन करके आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, रीजनिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ईजी होता है, एक्चुअली ईजी होता है, बहुत ईजी है, डोंट वरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, हिंदी में नहीं पढ़ाते, हमारी टीम में कोई पढ़ा नहीं पाता। यहाँ पे अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ के उसका मीनिंग समझ लेते हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपके लिए, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के दो पैराग्राफ जो आ रहे हैं उसमें क्लोज टेस्ट भी, उसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन वोकैब भी आ जाती है, सिनोनिम एंटोनिम भी डाल देते हैं, तो उतना अगर आप कर लेते हो, आरसी में 20 में से 15 मार्क लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके आते हैं, ठीक है। पैरा जंबल्स हैं, एरर स्पॉटिंग आता है, कई बार क्लोज टेस्ट आता है, एक्यूरेसी मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे हाई रहता है अगर आपका इंग्लिश ऑलरेडी अच्छा है तो। हिंदी आप तभी चूज़ करें जब आपका इंग्लिश बहुत बेकार है और आपका हिंदी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक आपको नहीं पता है कि आपका हिंदी अच्छा है कि इंग्लिश अच्छा है, क्या चूज़ करें, तो इंग्लिश चूज़ करें, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपका हिंदी बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत ख़राब है, तो हिंदी चूज़ करें, अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो इंग्लिश चूज़ करो, ये मेरी रिकमेंडेशन है, सलाह आपके लिए। फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे होंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस में जो न्यूज़ है रिलेटेड टू बैंकिंग, जो करंट अफेयर बैंकिंग अवेयरनेस है, एक बैंक ने MOU किया या एक बैंक नई एप्लीकेशन लेकर आया है, बैंक का नया CEO बना है, कोई बैंक नया नया PCA से बाहर आया है, कोई बैंक जो है मर्ज हो गया है, कोई बैंक ने नया ब्रांड एम्बेसडर हायर किया है, ठीक है, राहुल द्रविड़ ब्रांड एम्बेसडर बन गया इसका, फिनटेक कंपनी के रिलेटेड कोई न्यूज़ है, बैंक ने कोई एक्विजिशन किया है, बैंक ने किसी बाहर की कंपनी के साथ टाई अप किया है, ये सारे टॉपिक्स हो गए। RBI की कोई गाइडलाइन है, वो भी एक तरह की बैंकिंग की न्यूज़ है, ठीक है, कोई रेपो रेट चेंज हो गया या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की गाइडलाइंस होगी। यहाँ पे अभी क्या है कि RBI के सर्कुलर्स, वो भी एक तरह की न्यूज़ ही है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं और वो एक तरह की न्यूज़ है, जैसे गोल्ड लोन के रिलेटेड कोई सर्कुलर आ गया, वो एक तरह की न्यूज़ ही है, या आपका NBFC से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गया, कोई बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गया, कोई बोल दिया कि नेफ्ट के रिलेटेड ये नया अपडेट है, कोई चेंज है, अब से इतना फाइन लगा करेगा, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लार्ज एक्सपोजर गाइडलाइंस आ गई आपकी, या कोई किसान क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड कोई गाइडलाइन आ गई, ये सारी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नियर अबाउट आप कह लीजिए 50% जो है बैंकिंग न्यूज़ और RBI सर्कुलर में से आपका सिलेबस कवर हो जाता है, 50 से ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है, 20 से 25 मार्क आपका यहीं पे कवर हो जाता है, 25 मार्क आप लगा लीजिए, लेकिन आपको 25 नहीं चाहिए, ठीक है, 25 में से अगर आपने सारा पढ़ा है तो 15-16 नंबर लेके ले पाओगे, लेकिन आपको नंबर चाहिए ज़्यादा, उसके लिए पहले तो आप पढ़ोगे थोड़ा सा एक्ट्स, जो एक्ट कौन से हैं, IBC इम्पॉर्टेंट है, SARFAESI, नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, थोड़ी बहुत कंपनीज एक्ट, लेकिन उतना आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप बढ़ते हो आगे बैंकिंग के प्रोडक्ट्स, वो एक न्यूज़ नहीं है लेकिन कमर्शियल पेपर्स है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, जैसे डेरिवेटिव्स हैं, ये म्यूचुअल फंड्स हैं, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ये न्यूज़ में ज़्यादा नहीं आते लेकिन इम्पॉर्टेंट है। लेटर ऑफ क्रेडिट के रिलेटेड आ गया, ठीक है, मॉर्गेजेस आ गए, ठीक है, ये कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं उनसे, ये कोई एग्जैक्टली आपका न्यूज़ में नहीं आता लेकिन एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, हाइपोथिकेशन क्या होता है, प्लेज क्या है, आपको आइडिया होना चाहिए टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस क्या है, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस क्या है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग की हिस्ट्री में से एक दो क्वेश्चन आते हैं, नाबार्ड कब बना था, ठीक है, सेटअप एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ नाबार्ड, RBI, एग्जिम, इन सब में से एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है रेगुलर, नाबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट डेट, SEBI की, RBI की, एग्जिम बैंक की, इन सब में से एक एक क्वेश्चन पिछले सालों में से आ रहे हैं, आते जा रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
कुछ एक 16 का स्कीम है जो आपने करनी है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन योजना, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, श्रम योगी की योजना है, अलग अलग काफ़ी पेंशन की, इंश्योरेंस की, वुमेन एम्पावरमेंट की कुछ योजनाएं हैं। 16-17 योजना है जो आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकन्या समृद्धि योजना है, धीरे धीरे दिमाग में आती हैं 16 स्कीम्स, वैसे दिमाग एक साथ नहीं आती। ये करने के बाद आपका यूनियन बजट आता है, हर साल एक दो क्वेश्चन आते हैं, आपके टैक्स स्लैब्स हैं, कुछ एक चेंजेस हैं स्लैब्स में, कुछ एक नई डिडक्शंस आई हैं, कुछ एक नए टैक्सेस लगे हैं, और बजट एलोकेशन कितना है किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का, बजट एलोकेशन पैसा आया कहाँ से है, कौन से टैक्स से कितना पैसा आया है। पिछले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पेपर में आए हैं, यूनियन बजट जो है इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में आप देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि रेशियो एनालिसिस जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है, डिप्रिसिएशन हो गया। अगर तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, थोड़ी सी आपको जो है जनरल एंट्रीज आनी चाहिए, ठीक है, आप बैंक में जाने वाले हो, थोड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं भी आती है, थोड़ा सा कोशिश ज़रूर कीजिए अगर टाइम है तो, ठीक है, पेपर में आती हैं ये। पेपर में डेप्रिसिएशन जो मैंने बताया, रेशियो एनालिसिस, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेजेस, एफर्ट ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन 2-3 आते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, 2-3 ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, ठीक है, फिर भी हम लोग करवाते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बार बार रिपीट होता है, वो हम करवाते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर भी हम करवाते हैं हम लोग, रेशियो एनालिसिस मैं खुद करवाता हूँ, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल आपको बताना चाहिए कि गोल्डन जो रूल्स हैं रिलेटेड टू अकाउंटिंग, वो मैंने करवाया है। कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको समझ आना चाहिए, मुझे लगता है समझ आना चाहिए, वो मैं करवा रहा हूँ। यही है फाइनेंशियल अवेयरनेस में, ज़्यादा तो थोड़ा सा करंट अफेयर आ जाता है लेकिन रिलेटेड टू बैंकिंग। उसके लिए हम एक प्रॉपर कैप्सूल बनाते हैं, IBPS RRB स्केल 2 GK डाइजेस्ट कोर्स में अवेलेबल है, लिंक नीचे अवेलेबल है, चेक करें। कंप्यूटर अवेयरनेस की जब बात आती है तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि दुनिया जहान की कोई भी किताब पढ़ लें उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो डे टू डे लाइफ में आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, ठीक है, MS वर्ड में कौन सी चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है, या MS ऑफिस का सूट आ गया आपका, ठीक है, MS ऑफिस के MS वर्ड पावर पॉइंट में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है, एनिमेशन करना है तो बेसिक है, ठीक है, MS ऑफिस आना चाहिए। उसके बाद जो है नेटवर्किंग है, कंप्यूटर नेटवर्क, स्टार, टोपोलॉजी, ये वो एंड ऑल, ठीक है, उसके बाद फंक्शन कीज एंड ऑल, ठीक है, ये सब हो गया आपका। उसके बाद आप आगे चलते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी है, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बुक अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ जहाँ से मर्जी पढ़ लें, हर बार होता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी चेक करी जाती है, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज ईजी होता है पेपर, लेकिन किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो वो रिपीट नहीं होते हैं क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक किया जाता है, मतलब रिपीट कहीं से नहीं होते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए नेटवर्किंग का, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइसेस, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, लेकिन आपको कोई भी गारंटी नहीं देगा कि इस पर्टिकुलर बुक में से या इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में से रिपीट होगी, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यही है मेरे हिसाब से, आप अपना बैठिए और समझिए कि आप वीक वाइज अपना खुद का प्लान बनाइए, और हमने एक प्रॉपर कोर्स बनाया हुआ है bankexamstudy.com पे, जिसमें हम रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, एक बार आप गो थ्रू कीजिए, साथ जितना मैंने आपको बताया सारे का सारा अवेलेबल है। पहले हम वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उसके प्रॉपर नोट्स होते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन बैंक है हमारा, उसके बाद हमने टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करी है, इतना आप कवर कीजिए। हम इंटरव्यू की तैयारी भी इसी चैनल पर करवाते हैं, लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गो थ्रू कीजिए और डाइजेस्ट ज़रूर पढ़िए आप, RRB GBO GK डाइजेस्ट इतना आप कर लीजिए, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इधर उधर से मैंने देखा है स्टूडेंट्स बहुत इररेलीवेंट कंटेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने जो अभी आपको आज बताया है इसको आप अपना एक बेंचमार्क मान लो, या आप एक वन स्टॉप गाइड मान लो, जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है, ज़्यादा मैंने आपको कागज़ी चीज़ें नहीं दिखाई हैं, मैंने टिक मार करके ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, मैंने जस्ट एक बात करी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं बात करता हूँ फ़ोन पे, और मुझे लगता है कि मैं 15 मिनट 20 मिनट लगातार सेम चीज़ रिपीट करता जा रहा हूँ, मैं फ़ोन उठाता हूँ सबके
एंड 15-15 मिनट मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बताई है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स हैं या मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो स्केल टू दे रहे हैं, तो उन सभी को ये 15 मिनट मुझे देने पड़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा, उनको मैं ये वीडियो का लिंक दूँगा कि आप ये देखो, इससे आप समझो, क्योंकि मुझे वही बताना पड़ रहा था, ठीक है। एंड नोट्स मैं सारे बनाए हैं मैंने और क्वेश्चंस मैंने सारे बनाए हैं। मैं डेली बेसिस पे मैं यही काम करता हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आ रहा हो तो 9067201000, मैं अपना फ़ोन नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आई होप आपको इस सेशन से एक थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, जिससे आप कैसे तैयारी करनी है एक अपना एक स्ट्रैटेजी बना पाओगे। टेस्ट सीरीज़ लेना बहुत ज़रूरी है, हमने अच्छी टेस्ट सीरीज़ बनाई है, 10 टेस्ट बनाए हैं, बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए। कोई उसमें दिक्कत आती है मेरे टेस्ट में, मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूँगा। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, कुछ समझ ना आए आप मेरे से पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लीजिएगा और कोर्स का मैंने लिंक दे दिया है, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, अपना टाइम ख़राब ना करें इधर उधर भटक के। एक वन स्टॉप सोल्यूशन आप लें, कोर्स को ज्वाइन करें और तैयारी स्टार्ट करें। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके पूछ लें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।